हेलो एवरीवन, कुकिंग विद नरगिस में आज अब बनाने जा रहे हैं मटन पालक। तो ये आधा किलो मैंने मटन लिया है, इसको वॉश करके अच्छे से रख लिया था। अब इसमें डाल रहे हैं इस तरह से मोटी मोटी रफ की हुई रफली कटी हुई प्याज है, दो प्याज हैं। लहसुन भी मैंने 6 से 7 कलियां थी उनको भी ऐसे मोटा मोटा कट कर दिया था। और ये 2 टमाटर हैं उनको भी मोटा मोटा कट कर दिया था। ये अदरक है इसको भी इस तरह से मैंने, अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, तो मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले 1 चम्मच है ये कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच नमक, एक चम्मच से 1.5 चम्मच धनिया, और 1 कप भर के मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल। ऑयल आपने अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अब इसमें डाल रही हूँ गरम मसाले, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 मोटी इलायची है, थोड़ी जावित्री है, 4 से 5 हैं ये हरी इलायची, और लौंग हैं 4-5, और 4-5 हैं काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं और बस इसको पकने रख दे रहे हैं। 2 से 3 सीटी लगाएंगे फुल गैस पे और फिर थोड़ी 2 सीटी स्लो गैस पे लगाएंगे। लीजिए फ्रेंड, हमने मटन को इसमें ट्रांसफर कर लिया है और इसको अच्छे से भूनते हैं। देखिए इतनी सब कुछ हमने साबुत डाला था और देखिए हमारा मसाला कितना शानदार बना, देखिए टमाटर वगैरह हमारे सब और सब कुछ कितने अच्छे हमारे गल गए हैं अच्छे से। देखिए हमारा अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है एकदम से। तो अब इसमें हम पालक डाल रहे हैं, वॉश करके इसको रखा हुआ था। थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए इसको इस तरह से खुला रखूंगी क्योंकि ये पानी रिलीज होगा ना सब्जी का तो वो थोड़ा सा उड़ जाएगा। तो 5 से 10 मिनट ऐसे ही पकाते हैं खोल के फिर बाद में। जी 10 मिनट हो गए हैं, हमारे पालक थोड़ा सा नीचे हो गया है। अभी 1/4 चम्मच है गरम मसाला ये डाल रहे हैं इसमें और हरा धनिया डाल रहे हैं। दे रहे हैं
से 10 से 15 मिनट और पकाते हैं। देखिए जी हमारा फिर 10 मिनट हो गए हैं और हम ये मोटी कुटी हुई मिर्च डाल रहे हैं इसमें साबुत तोड़ के। और देखिए हमारा बहुत शानदार सा पालक मटन पालक बन के तैयार हो गया है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोरबेदार तो ये होता नहीं है, बस इसकी गैस को करते हैं बंद, थोड़ी देर इसलिए छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए और फिर सर्व करते हैं। पराठे से जैसे चाहे नान से कैसे खाना चाहे वो आपकी मर्जी है, आप इस तरह बनाइए घर वालों को खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इस रमज़ान में पालक गोश्त ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये सर्दियों में सौगात है पालक, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।